फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अलग है, बट मुझे पता है कि आप सबको इसकी ज़रूरत है ना। और वैसे भी हेयर फॉल आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, बट आज यहाँ मैं इसकी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसके बारे में बात करूँगी। तो देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि जो स्पिरिचुअल पीपल होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल इश्यूज से डील करते हैं रादर देन अदर पीपल्स, राइट? क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो हमेशा चेंज होती रहती है, और उस एनर्जी से एडजस्ट करने में बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट? तो ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट की वजह से ही आपको फिजिकल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही अगर आपके कोई सोल लेवल के इश्यूज़ है, राइट, यानी कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ फिजिकल इश्यूज़ हैं, तो वो भी इस दौरान बाहर आते हैं हील होने के लिए, ठीक है? और इसीलिए स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा डील करते हैं हेडेक से, राइट, माइग्रेन से, या फिर उनको वोमिटिंग होती है, स्टमक एक होता है, या फिर नौसिया होता है ना। तो इस तरह के इश्यूज़ को वो डील करते रहते हैं रदर देन अदर पीपल। तो चलिए अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, और वो है हेयर्स। एक्चुअली हेयर्स आर आर एक्सटर्नल नर्वस सिस्टम। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट्स के ये एक्सटर्नल नर्व्स है, और इन्हें हम एक तरह का एंटीना भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिसीवर का काम करते हैं। जी हाँ, जो कॉस्मिक एनर्जी प्रेजेंट है, राइट, उसको एक्सेस करने में, उसको रिसीव करने में ये हेल्प करते हैं। और जिस तरह से ये हमारी नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये हमारे जो सारे पास्ट मेमरीज हैं, हमारे जो सारे पास्ट वूंड्स हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं। तो बेसिकली आपकी असेंशन की प्रोसेस में क्या होता है, आपकी पूरे माइंड बॉडी और सोल का प्योरिफिकेशन होता है, राइट? और इसी प्योरिफिकेशन के दौरान आपके बॉडी में जो जो नेगेटिव एनर्जी मौजूद है उसको रिलीज़ किया जाता है, राइट? यानी कि ये जो इश्यूज़ उभर के आते हैं वहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर होती है, और इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान उसे हील करके वो उस नेगेटिव एनर्जी को निकाल दिया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो सेम इसी तरह से हमारे जो हेयर्स हैं उनको भी इस सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनमें भी हमारे पास्ट वूंड्स होते हैं, राइट, पास्ट मेमरीज होती है, वो स्टोर्ड होते हैं, और ये सारी नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये जो आपका हेयर फॉल हो रहा है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले, ठीक है? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक जो जो आपके नेगेटिव इमोशंस थे, राइट, जो जो ट्रॉमास थे, उनको तो रिलीज़ होना ही है। तो ये जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है इसको एक्सेप्ट करें। सो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप होम रेमेडीज़ भी कर सकते हैं, या फिर होम्योपैथी भी यूज़ कर सकते हैं न्यू हेयर्स की ग्रोथ के लिए, है ना? और जितना हो सके उतना केमिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनसे दूर ही रहिए, ठीक है? और अपना जो डाइट है वो प्रॉपर लीजिए, ताकि आपकी जो विटामिन की, मिनरल्स की, या फिर आयरन की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मेकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।